हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि एक्लिप्स में हम लोग अपना पहला जावा का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे और फिर कैसे उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर स्टार्ट मेन्यू में जाके एक्लिप्स ओपन करता हूँ। तो मैंने लिखा एक्लिप्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर। यहाँ पर मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे हमारा एक्लिप्स का जो आईडी है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक्लिप्स जो है वो ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट ओपन करना है, जावा प्रोजेक्ट। तो उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और फिर जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे हमारे पास ये विंडो ओपन होके आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ सेकेंड प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी नाम ले चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको जीआरई के अंदर ये मिडिल वाला सेलेक्ट करना है, यूज ए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जीआरई। उसके बाद अगर आप पहली बार प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो मॉड्यूल के अंदर ये चेकबॉक्स जो है वो चेक्ड होगा, क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा फाइल। पर यहाँ पर हम अनचेक कर देते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होके आएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका जो आउटपुट फोल्डर है वो सेकेंड प्रोजेक्ट के बिन के अंदर है, ठीक है। और ये आपका सेकेंड प्रोजेक्ट है और ये आपका SRC है, उसके अंदर SRC फोल्डर है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सेकेंड प्रोजेक्ट आ चुका है। और जैसे ही हम सेकेंड प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आएगा GRE सिस्टम लाइब्रेरी और SRC। तो आपको क्या करना है, SRC पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और आपको जावा क्लास, तो यहाँ पर क्लास पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लास में क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपसे क्लास नेम मांगेगा। तो यहाँ पर मैं क्लास का नाम देता हूँ सेकेंड प्रोग्राम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लास का नाम दे दिया सेकेंड प्रोग्राम। और मुझे अपने क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉयड मेन चाहिए क्योंकि मुझे सिंपल प्रोग्राम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉयड मेन के ऊपर हम इसे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो अपने आप देखिएगा कि यहाँ पर कुछ सेट ऑफ कोड जो है लिखा हुआ आ रहा है, पब्लिक क्लास सेकेंड प्रोग्राम पब्लिक स्टैटिक वॉयड मेन स्ट्रिंग और ARGS। अब यहाँ पर प्रिंट करने के लिए हमारे पास होता है यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब ये लिख के आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी मैसेज दे देना है। जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर आपको सेमीकोलन दे देना है। तो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जावा का पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यहाँ प्ले बटन में जाना है, पर उससे पहले आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर प्ले बटन में जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जैसे ही हम प्ले बटन पे ले जाएंगे अपने कर्सर को तो यहाँ पर लिखा रहा है रन सेकेंड प्रोग्राम डॉट जावा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम जावा के प्रोग्राम को लिखेंगे एक्लिप्स के अंदर और कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर बात आता है कि ये पब्लिक क्लास स्टैटिक वॉयड मेन स्ट्रिंग ये सब क्या है। तो इन सभी चीजों को, ये सारे कीवर्ड्स को बहुत ही डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।